माय यूट्यूब चैनल, दिस इज आफरीन मेमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो सेक्सुअल सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे थे उसमें आज हम महिला के एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पे कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फेलोपियन ट्यूब्स। अगर आपकी महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना बहुत ही आम बात है, मैक्सिमम महिलाएं इस चीज को फेस करती हैं और ये महिलाएं बिल्कुल सहमत होंगी इस बात से। फ्रेंड्स, फेलोपियन ट्यूब्स बेसिकली होता क्या है? ये एक ट्यूब होती है जो हमारे एग को, यानी जो प्रेग्नेंट होने के लिए या प्रेगनेंसी के लिए जो एग फॉर्म होता है ओवुलेशन के दौरान, वो एग को यूट्रस से ओवरीज तक लेके जाती है। यानी जो यूट्रस है हमारी, बेसिकली गर्भाशय या अंडाशय बोल सकते हैं हम, ठीक बात है? तो यूट्रस से ओवरीज के बीच में यहाँ से एग बनता है और वो ट्यूब उस एग को ले जाकर पहुंचाती है ओवरीज तक। इस ट्यूब को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। अगर ये ट्यूब ब्लॉक है तो जो एग है, यानी जो महिला का जो अंडा है, एग जो बन रहा है प्रेगनेंसी के लिए, वो एग यहाँ से बेसिकली यूट्रस से या ओवरीज तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि गर्भवत होना या प्रेग्नेंट होना महिला के लिए डिफिकल्ट होगा, असंभव हो जाएगा। तो ये जो ट्यूब है जो बीच में होती है दोनों गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ने वाली ट्यूब, ये कितनी महत्वपूर्ण होगी ये आप समझ पा रहे होंगे। तो फेलोपियन ट्यूब्स इज नथिंग बट द सेम ट्यूब जो ओवरीज और यूट्रस को कनेक्ट करती है। फ्रेंड्स, इसमें समझने वाली बात यह है कि फेलोपियन ट्यूब्स जो है, बेसिकली अगर ये एक ट्यूब ब्लॉक है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है न्यूट्रिशन से, दवाइयों से। अगर दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक है तो इसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये ऑपरेटिव या सर्जरी वाले केस में चला जाता है। लेकिन इसमें डरने की या चिंताजनक होने की कोई बात नहीं है, सोल्यूशन फिर भी हमारे पास है। फ्रेंड्स, एक महिला के लिए प्रेग्नेंट होना या माँ बनना जो है वो भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं। फ्रेंड्स, हम जितनी सीरीज पीछे मैंने बात की है गर्भ नहीं ठहर रहा हो या ये सारी चीजें, ये स्पेशली वीडियोस महिलाओं के लिए मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि उनको जागरूकता हो और अवेयरनेस हो उस चीज की कि आपकी हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य में जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। फ्रेंड्स, हम टोटली डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक बात है, कोई बात नहीं, डॉक्टर्स आर सेड एज सेकंड गॉड, लेकिन आपको भी अपने शरीर की कुछ तो जानकारियां होनी चाहिए। जो आपको अगर सही जानकारी है तो आप न्यूट्रिशन लेके अपने हेल्थ को में काफी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो महिलाओं का होता है उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है ओवरी, सेकेंड इज यूट्रस एंड थर्ड इज फेलोपियन ट्यूब्स। ये तीन चीजें जो है फ्रेंड्स, एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसी में से एक महत्वपूर्ण चीज फेलोपियन ट्यूब्स जो है उस पर हम आज बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है तो एक प्रोसेस होता है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है, यानी गर्भवती आप हो सकती हैं। लेकिन दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है तो उसके चांसेस जो है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेस चांस हो जाते हैं, यानी कम चांस हो जाते हैं बेसिकली। तो फ्रेंड्स, इसके सिम्टम्स आपको बॉडी क्या देती है, व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स बेसिकली बॉडी क्या देती है, इसमें वैसे कोई भी सिम्टम नहीं होता है। जिस महिला का फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है उसको कभी भी कोई लक्षण बॉडी नहीं देगी, कोई सिम्टम्स नहीं पता लगता है। हाँ, यदि अगर वो महिला कोई टेस्ट कराए या कंसीव करने की कोशिश कर रही है और वो नहीं प्रेग्नेंट हो पा रही है तो रिपोर्ट्स करा के रिपोर्ट्स के माध्यम से पता किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा जो सिम्टम हमें पता लगता है वो ये है कि जो हमारे बेली होता है, पेट के थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा, बेली जो होता है वहां पे दर्द या पेल्विक में दर्द, पेन रहता है पेल्विस में या बेली में, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब्स में कुछ तो गड़बड़ है, पता करने वाली बात है। सो ये सिम्टम्स आपकी बॉडी दे सकती है। साथ में फ्रेंड्स, इसके कॉजेस, इसके कारण क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, फेलोपियन ट्यूब्स क्यों ब्लॉक होती है, तो उसके कुछ कारण हम देखेंगे। सबसे पहला, कोई हार्मफुल सर्जरी, अगर किसी महिला की पीछे कोई हार्मफुल सर्जरी हुई हो तो वो एक कारण हो सकता है कि इसकी फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो। दूसरा, कोई महिला अगर एबॉर्ट की है या एबॉर्शन करती है वो भी एक कारण हो सकता है ट्यूब्स का ब्लॉक होना। उसके अलावा फ्रेंड्स, पेल्विक इन्फेक्शन अगर हो जाता है, किसी महिला को पेल्विक इन्फेक्शन की डिजीज, बीमारी हो जाती है, तब भी चांसेस है कि ट्यूब्स ब्लॉक हो जाए। उसके अलावा फ्रेंड्स, यूटराइन इन्फेक्शन अगर हो जाए, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाए, यानी जो हमारा गर्भाशय है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तब भी चांसेस है कि आपकी जो ट्यूब्स है वो ब्लॉक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका पर्याय क्या है, सोल्यूशन, समाधान, ये तो हमने देखी समस्या, अब समाधान, कोई बात नहीं, समाधान पे भी देखते हैं।
फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन, आयुर्वेदा, हर्ब्स, ये सारी चीजें लोगों की सोच के परे है। इतने चमत्कारी पौधे और हर्ब्स होते हैं आयुर्वेदा में जितना लोग सोच नहीं सकते, सोच के परे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन देने वाले हूँ, ऐसी चार चीजें आपको बताऊंगी जो हेल्प करेगी आपकी फेलोपियन ट्यूब्स को अनब्लॉक करने में या उसको ट्रीट करने में। पूरी पूरी मेरी प्रयास रहेगा कि ये सोल्यूशन आप तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। चलिए समाधान पे बात करते हैं। सबसे पहले विटामिन सी। अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, आपने डायग्नोस कराया है, रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको पता लग चुका है कि आपकी आपकी जो ट्यूब्स है वो ब्लॉक है, तो सबसे पहली चीज आप जो ले सकते हैं विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी हेल्प करता है स्वेलिंग को कम करने में, सूजन को कम करने में बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो विटामिन सी रोज लेना है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, रोज लेते हैं रोज निकल जाता है, तो आपको विटामिन सी रोज लेना है। दूसरी चीज जो आपको लेनी है फ्रेंड्स, वो है टर्मरिक। टर्मरिक का अर्थ है एंटी इंफ्लेमेटरी होता है टर्मरिक, यानी रोज आपको पीना है, खाना नहीं है, आपको इसको रोज पीना है टर्मरिक को। टर्मरिक यानी हल्दी, सरल भाषा में हल्दी, क्योंकि उसमें कर्क्यूमिन होता है, वो हेल्प करता है आपकी सूजन को निकालने में। 6 ग्राम से कम लेना है, उससे ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि टर्मरिक एक्चुअली कई बारी कॉन्ट्रा इंडिकेट भी करता है। तो फ्रेंड्स, हल्दी आप ले सकते हैं 6 ग्राम से ज्यादा नहीं, उससे अंदर ही लीजिएगा जितना भी आप ले। तीसरा हब जो काम करता है ट्यूब्स को अनब्लॉक करने में वो है फ्रेंड्स लोधरा हब। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये बेसिकली दिखता कैसे है, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में जाके, हर्बल शॉप में जाके आप ये हब का नाम बताएंगे तो आपको ये पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। तो पाउडर फॉर्म में आप इस हब को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, लेना कैसे है, गर्म पानी लेना है, 1 ग्लास गर्म पानी, उसमें आपको ये 1 टेबल स्पून जितना डालना है और उसको डाल के मिक्स करके आपको पी लेना है रोज रात में सोते समय। तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हो सकता है आपकी ट्यूब्स के लिए, आपकी जो ट्यूब ब्लॉक हो गई है उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको। उसके बाद में फ्रेंड्स, वजाइनल स्टीम जो आखिरी सोल्यूशन हुआ है, वजाइनल स्टीम जो प्राइवेट पार्ट होता है महिलाओं का, वहां पे वो स्टीम प्रोसेस भी कर सकती हैं। आप इसके वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे कि वजाइनल स्टीम कैसे ली जाती है। तो वजाइनल स्टीम आप लेके वो आपकी जो ट्यूब्स है उसको अनब्लॉक करने में काफी अच्छा सपोर्टिव साबित होता है। तो फ्रेंड्स, आपकी मेडिसिन चल रही हो सकती है, आप इलाज कर रहे हैं, आप दवाइयां कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, करिए, लेकिन साथ में ये कुछ न्यूट्रिशन भी जरूर स्टार्ट करिए, क्योंकि न्यूट्रिशन का जो रोल है वो ये है कि वो जड़ से समस्या का समाधान निकालता है आपकी। अगर जैसे हम कहते हैं बॉडी को अच्छा करना है तो कोशिकाओं को अच्छा रखिए, सेल्स को हेल्दी रखिए, तो बॉडी अच्छी हो जाती है। तो न्यूट्रिशन बिल्कुल उसी तरह काम करता है फ्रेंड्स। आप दवाइयां लीजिए, लेकिन साथ में कुछ न्यूट्रिशन हब भी लीजिए जो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स को अनब्लॉक करने में बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे पीछे मेरी वीडियोस में क्वेश्चन किया था और वो चाहते थे कि मैं फेलोपियन ट्यूब्स जैसी समस्या पे वीडियो बनाऊं। तो ये स्पेशल वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए जो फेलोपियन ट्यूब्स की समस्या को लेके बहुत ज्यादा पीड़ित है और वो कंसीव नहीं कर पा रही है, गर्भवती नहीं हो पा रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उनके लिए स्पेशल वीडियो। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, कमेंट्स करिएगा अगर आपके कोई प्रश्न है, आपके कमेंट्स मुझे हेल्प करते हैं अपनी वीडियोस को बेहतर बनाने में, आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियोस लेके आते रहूं। सो फ्रेंड्स, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, यदि कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करिएगा। साथ में फ्रेंड्स, ये वीडियो को शेयर करिएगा लोगों को, ताकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको फेलोपियन ट्यूब्स की जानकारी नहीं है, संपूर्ण जानकारी उनको इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है, सो जरूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं वीडियोस ऐसे बनाते रहूं, आपके बीच में बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक लेके आऊं। तो अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये आप बताएंगे मुझे और आप डिसाइड करेंगे कि मुझे किस विषय पे बात करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज आफरीन मेमन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।